क्लैट पीजी के एग्जाम में आप केवल 30 दिन रह गए हैं, और ये जो 30 दिन हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल डेज हैं, बिकॉज भले आपने 1 महीने पहले क्या किया हो, 2 महीने पहले क्या किया हो, 3 महीने पहले क्या किया हो, वो कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आज आप वो स्ट्रेटजी गाइड फॉलो कर लेते हो जो कि मैं इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ डे बाय डे स्ट्रेटजी, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, एक एक चीज जो आपको फॉलो करनी है 30 डेज में, कैसे आपको रणनीति फिक्स करनी है, मैं उस बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ। और अकॉर्डिंगली ये मेरा धर्म है कि मैं ये मेक श्योर करूं कि आप अपना ये एग्जाम क्वालिफाई करो, इसीलिए अब से हर दिन मैं एक या तो वीडियो या फिर एक यूट्यूब शॉर्ट पोस्ट करूंगा जहां पे मैं आपसे डायरेक्टली बात करते हुए आपको मैं रिमाइंड करूंगा, याद भी दिलाऊंगा और आपको मोटिवेट भी करूंगा कि आज आपको ये पढ़ना है, फिर कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे दिमाग लगा के काम करना है, सारी चीजें मैं आप आज से करने वाला हूं। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। मेक श्योर कि आप संभव लॉ को सब्सक्राइब करें, हमारे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आपको वो जो वीडियोस हैं उनका आपको अपडेट मिल पाए, ताकि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ाई करो। जंप ऑन द शिप एंड वी आर सेलिंग टुवर्ड्स सक्सेस, ये मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ। आप चाहे PSU एग्जाम के लिए तैयारी करो, PSU के इंटरव्यू के लिए, चाहे आप LLM के लिए करो, चाहे आप जैक इन्फी के लिए करो, सारी ही चीज़ों के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ये स्ट्रेटजी गाइड जरूर कायदे से फॉलो करो। अकॉर्डिंगली ये जो स्ट्रेटजी गाइड है, ये स्ट्रेटजी गाइड केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपना 3 महीने या 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको रिवीजन करना, बिकॉज मैं रिवीजन की बात ही करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। साथ ही में उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मान लो पिछले 2-3 महीनों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, अब उनको स्टार्ट करना है। बिकॉज जनरली क्या होता है, इंसान 1 मंथ सोच के चलता है कि हाँ 1 मंथ में मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उस 1 मंथ को कैसे आपको प्रॉपरली कायदे से आपको यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो आप कायदे से फॉलो कर लीजिए, बिलीव मी, चाहे आपने जितनी भी यहाँ पे पाप किए हो, सारे के सारे पाप आपके ना धुल जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई हुआ क्या था और आपने पढ़ाई पहले क्यों नहीं शुरू करी। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि day 1 से लेकर day 3 तक आपको क्या करना है। day 1 से लेकर day 3 तक आपको फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। day 1 के अंदर आप जब जाओगे तो day 1 के अंदर आपको सबसे पहले देख लेना है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो वीडियो में आप जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है वो पूरी वीडियो आप जाके पूरी देखिए, और आप उसमें से निकालिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसमें केसेस है, सब कुछ देखिए। और साथ में दूसरी चीज, आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हो, आप यूटिलाइज करिए यूट्यूब को। हमारे जो इंडिया में हमारे लॉ के फील्ड में इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी चीज़ें आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करी हैं, तो बच्चों आप लोग प्लीज़ उसको यूटिलाइज करिए। प्लीज़ जाइए, एक दिन लीजिए मैराथन पूरा, एक तरीके से इसको आप कहते हो ना करना, वो करिए, जाके स्पीड को 2x पे लगाइए और वीडियोस को प्ले कर करके पूरे नोट्स बना लीजिए कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आपको जो जो पढ़नी है, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल DPSP हो, प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट्स हो, जो भी हो, उस सबके वीडियोस अवेलेबल, उसको यूटिलाइज करिए, प्लीज़ यूटिलाइज करिए इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक दिन में खत्म करिए। फिर आइए सेकंड डे पे फोकस करिए रीसेंट केस लॉज और लैंडमार्क केस लॉज पे। मतलब क्या है मेरा, जो आपके लैंडमार्क केस लॉज है उसका मतलब ये है कि जो आपके जितने केसेस हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो 42 केसेस एससी ऑब्जर्वर पे दिए हुए हैं, चाहे आप बात करो कॉमन कॉज की, चाहे आप सबरीमाला इशू की बात करो, चाहे आप रिजर्वेशन की बात करो, ये जितने केसेस आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द सब्जेक्ट जो कि हर चीज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए यूटिलाइज होता है, तो वो सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। साथ में रीसेंट केस लॉज, खास करके वो केस लॉ जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक करी गई है, जैसे अभी सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक करी गई, आपको वो केस पता होना चाहिए। नील ओरिजिनल न्यूज़ का केस हुआ जहाँ पे चेक हुआ कि आप जो आपका नीट पीजी के अंदर जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया था वो चैलेंज, वो आपको पता होना चाहिए। ये केसेस आपको पक्के पढ़ने हैं। सेकेंड चीज, आपको सेकेंड डे में पढ़ने हैं डॉक्ट्रीन्स और अमेंडमेंट्स, जितने भी डॉक्ट्रीन्स, चाहे आप बात कर लो डॉक्ट्रीन जो कि आपके आर्टिकल 13 के अंदर दिए हैं, चाहे जिस भी उसमें दिए हैं, और साथ में जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, वो सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने, देर इज नो टू वेज टू डैट। सेकेंड डे में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, थर्ड डे में आपको करना है रिवीजन इस पूरी चीज़ का। आप जाइए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन से जितने भी केस लॉज उनको पहले रिवाइज करिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए रीड करना ऐसे टॉपिक्स को जो कि रीसेंट, उसमें रीसेंट टाइम्स में जो आपकी लैंडमार्क है, रिजर्वेशन हो गया, सेडिशन हो गया, उनको एक बार पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से पढ़िए, और उसके बाद मॉक पेपर्स देना शुरू करिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। मॉक पेपर्स से मेरा मतलब है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के MCQs आप एक दिन बैठ के आराम से लगाइए। और साथ ही में जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, आप एक एक मॉक पेपर अगर आपके पास है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है सीरीज को, लगाते रहिए, बिकॉज आप अगर 2 से लेकर 4 के बीच में एक मॉक पेपर रोज लगा रहे हो तो आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो कि जिस वक्त क्लैट पीजी का पेपर होगा 2 से 4 के बीच में,
आप उस टाइम पर फोकस्ड हो कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, घड़ी लेके बैठिए, डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दीजिए, वो आपको करना है। तो ये जो आप, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये 3 दिन की मैंने आपको बता दी, आपके लिए जरूरी ये है कि 2 से 4 आप रोज एक पेपर लगाओ, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज को माइक कर लीजिए। अब आते हैं day 4 to 6 तक, वो होगा आपका कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए। देखिए सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत कठिन है बिकॉज वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनको रिलेट कर करके पढ़ना पड़ता है। आप शुरू करते हो, सबसे पहले एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल चला, ट्रायल के बाद जजमेंट आया, ये पूरी जो सीरीज होती है ना इसको समझने में टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंगली डे वन को जब आप शुरू करोगे, आप हमारी वीडियो जाना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका सीआरपीसी के लिए, वो देखो, वो देखने के बाद आप उस चीज को पढ़ो। पहले दिन केवल पढ़ाई करो बेस्ड अपॉन द रीसेंट केस लॉज, जो आपके पेपर एनालिसिस उसके हिसाब से हमने वीडियो बना के रखी हुई है यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स जो हमने मेंशन करे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ो। सेकंड डे पे जाइए, सेकंड डे के अंदर जितने रीसेंट केस लॉज थे उन टॉपिक से जुड़े हुए वो आप पढ़िए, और उसके साथ ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स जो बेराग से रिलेट कर रहे हैं, बेराग के साथ, जैसे मान लीजिए आप अरेस्ट की बात करते हो, अरेस्ट के अंदर जितने भी केसेस हैं उसको नोट करिए, अलॉन्ग विद जो आपका अरेस्ट के आपके जितने केसेस हैं और जो आपका प्रोसीजर मैच करके पढ़िए। लास्ट डे पे आते हैं, लास्ट डे पे आप जैसे ही आओगे आप रिवाइज करना शुरू करिए ऐसे टॉपिक्स को जिनको कि आप ट्रिकी पाते हो, जैसे मान लो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मान लो कि यू नो सवन ट्रायल, वॉरेंट ट्रायल हो गया, या फिर इस तरीके के ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको समझने में, कि मान लो पावर क्या थी, मजिस्ट्रेट ने ये कर दिया, किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसको आप पढ़ो, जो कि आपने मान लो पहले पढ़ा है उसको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर से जाओ उसको पढ़ो, और अकॉर्डिंगली एक चीज़ आप करिएगा, केवल और केवल वही पढ़िएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सीआरपीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास टाइम है, आपको करनी है सिलेक्टिव स्टडी। तो जितने ये टॉपिक्स हम लोग अपनी वीडियो मेंशन करें, जितने टॉपिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, केवल वही पढ़िएगा, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है आपके पास, और फिर अकॉर्डिंगली मॉक पेपर्स लगाते रहिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका day 4 to 6 तक का प्लान। फिर आते हैं day 7 to 8 पर। day 7 to 8 पे आपको फोकस करना है इंडियन पिनल कोड और एविडेंस एक्ट पे। अब आप कहोगे सर इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों? इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए बिकॉज जो अभी रिसेंट आपके केसेस आ रहे हैं ना, और जो आपके रीसिंग का ट्रेंड चल रहा है, वहां पे एविडेंस लॉ के प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमें एविडेंस को लगाने की जरूरत है, एविडेंस लॉ को लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत रीसेंट केसेस ऐसे दिए हैं। तो अकॉर्डिंगली एक दिन आप एविडेंस लॉ को डे 8 दे दीजिए। day 7 पे आप जाइए आईपीसी के ऊपर, हमारी वीडियो वहां पर पढ़िए क्रिमिनल लॉ की, उसमें जाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे जनरल डिफेंसेस हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उनको पढ़िए। उनके अंदर जाके केवल बेराग के प्रोविजन देख लीजिए, लैंडमार्क केसेस जो हुए थे वो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। इस बात को ध्यान रखिए बिकॉज देखिए जो केसेस होते हैं ना आपके एविडेंस के और आपके आईपीसी के, उसके अंदर फैक्चुअल बहुत होता है, फैक्ट्स के ऊपर काफी चीजें होती हैं, तो इसलिए केस लॉ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ज्यादा टाइम लगाइएगा। और साथ ही में क्लैट ना थोड़ा कम पूछता है आईपीसी से अकॉर्डिंगली, बट आपको एक एक दिन एविडेंस और आईपीसी को देना है साथ में रिविजन के साथ, इसको करते जाइएगा, 2 दिन इसको दीजिए। फिर आते हैं कि मैं आपके कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैं ये तो आपको बहुत बार बताता हूँ कि हाँ भाई चलो ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको अपने केस लॉस को कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे आपको इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 22 मॉक पेपर्स के साथ वीडियो लेक्चर्स है फॉर 150 केसेज, मोर देन 150 केसेज, जस्ट फॉर 1699। आप 1700 खर्चा करिए, अकॉर्डिंगली मैं पर्सनली आपके साथ अटैच रहूँगा, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं सर मुझे स्ट्रेटजी में ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही, मैं पूरा बताऊँगा। मॉक पेपर्स हैं आपके पास, अकॉर्डिंगली हर फ्राइडे को हम लोग एक मॉक पेपर कंडक्ट कर ही रहे हैं, उसमें आप एनरोल हो जाइए, अपने मेरिट लिस्ट पर अपना नाम पाइए, सब कुछ आपको मिलेगा अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहो तो एनरोल आप हो सकते हो, वरना जो आपके फ्री सोर्सेज हैं आप उसका भी यूज़ करके यूटिलाइज करके पढ़ सकते हो, हर चीज़ के लिए हमने आपको यहाँ पे कवर करा हुआ है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं आगे की फैमिली लॉ day 9 का। अब देखिए जो फैमिली लॉ है ना आपका, इसके अंदर लास्ट ईयर में 12 आपके क्वेश्चन आए थे, और अकॉर्डिंगली आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल हिंदू लॉ को पढ़ना, क्योंकि मुस्लिम लॉ से जनरली क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, तो आप केवल हिंदू लॉ पे जाओ, हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, माइनॉरिटी गार्जियनशिप और सक्सेशन एक्ट पढ़ लो, एक दिन में आराम से हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं है। और खास करके उन टॉपिक्स को मत पढ़ना जिसमें कि मैथमेटिक्स इंक्लूड होती है, कि ये आपका जो ये पूरा आपका परिवार है इसके अंदर ये होगा, फिर इसके अंदर ये आपकी सक्सेशन की लाइन जाएगी, वो सब चीज़ें मत करिएगा। मैथमेटिक्स पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको क्वेश्चन लॉ पे आने वाला है, लॉ को पढ़िएगा, और अकॉर्डिंगली जो केस लॉज है इसके साथ वो आप पढ़ लीजिए। केस लॉज बहुत ज़्यादा नहीं है फैमिली लॉ के पढ़ने के लिए, 2021 और 2022 से आप अकॉर्डिंगली फैमिली लॉ को एक दिन नीचे काम आपका हो जाए। फिर कमर्शियल लॉ, अब जब मैं कमर्शियल लॉ की बात करूँ तो मैं बात करूँ केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, जो कि बेसिकली बहुत ही स्मॉल सी बेरैक्ट है, और उसके अंदर आपको बहुत टाइम खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट आपके प्रोविजन्स हैं वो, और उसके साथ जो आपके रीसेंट केस, आपके जो केस लॉज है, रीसेंट केस लॉज तो अलग हो गया, केस लॉज जो आपके नॉर्मल होते हैं, लालमी शुक्ला से गौरव डक, आपका हेडली वर्सेस बेक्सन डेल,
इस टाइप के जो केसेस है जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके अंदर दिया रहता है कि हाँ क्या डॉक्ट्रिन आया, कौन सा प्रिंसिपल दिया गया, कैसे हुआ क्या, वो आपको पढ़ना है एक दिन में केवल कमर्शियल लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेनली ध्यान रखिएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कंपनी लॉ पे भी मत जाइएगा, 30 डे में नहीं हो पाएगा, बिलीव में नहीं हो पाएगा, मत करिएगा। केवल कॉन्ट्रैक्ट फोकस करिए, मोर देन इनफ आपके लिए रहने वाला है। अकॉर्डिंगली डे 10 तक आपका ये रहेगा। फिर आते हैं डे 11 और 12 पे, सीधा सीधा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मुझे उसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को जाइए, इनको पढ़ लीजिए। दो दिन में इन टॉपिक्स की पढ़ाई आपकी आराम से हो जाएगी। प्रिपेयर करने के लिए आप जाइए, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए एके जैन का इस्तेमाल करिए। एके जैन में अगर पूरा मटेरियल नहीं दिया है, अकॉर्डिंगली आप जाइए नोट्स सर्च करिए, नेट पे आपको आराम से मिल जाएगा। वो भी नहीं तो वीडियो लेक्चर्स सर्च करिए, नेट पे जाइए, वीडियो लेक्चर्स की जाइए, पढ़िए 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 पढ़िए, बिकॉज इसके अंदर आपको कोई केस लॉ ज्यादा तैयार नहीं करने, रिसेंट केस लॉ आते ही नहीं है। दो दिन लगाइए इसको पढ़िए, बिकॉज दो पैराग्राफ आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लीजिए, उसमें कोई दूसरी बात सोचने लिए है नहीं। और साथ ही में एक बार ध्यान रखिएगा, ये एक बार आप पास होगे ना, इसको रिवाइज करने मत बैठिएगा और ना इसके साथ दिमाग ज़रा खराब करिएगा। दो दिन आपने दिया, दो दिन पढ़ लेने के बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ साथ में जुरिस्प्रूडेंस को आप भूल जाओ कि मैंने कुछ ज़रा करा था, बिकॉज उसके अंदर आप जितना दिमाग खराब करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, आप कह नहीं सकते क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाएगा। हो सकता है जो आपने पढ़ा है उसके बाहर से आ जाए, कहीं से आ जाए, कुछ आ जाए। तो अकॉर्डिंगली आप केवल वो पढ़ो जो कि स्टैंडर्ड पढ़ाइए, जहाँ से मोस्ट प्रॉबली क्वेश्चन आने का चांस है, केवल उतना करो। बाकी अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सच। फिर बात करते हैं जुरिस्प्रूडेंस की, सेम वही चीज़ जैसे मैंने आपके कहा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, ये टॉपिक्स आप पढ़ लो, मोर देन इनफ रहेगा, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं 15 डे उसके ऑनवर्ड्स। अब जब आपके 15 डेज हो गए हैं, 15th डे से आपका जो मेजर सिलेबस था ना, मेन 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो खत्म हो गए। वो खत्म हो जाने के बाद आप समझ सकते हो आपके ऊपर से कितना बड़ा सरदर्द उठा है कि आपने रिसेंट केस लॉज ही प्रिपेयर कर लिए, आपने वो सब्जेक्ट ही प्रिपेयर कर लिए। आप सोच सकते हो 15 दिन में आपने सब कुछ खत्म कर दिया। दैट इज द की पार्ट। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल रहते हो तो उसके बाद से आपकी जंग ना बहुत आसान हो जाने वाली है। फिर आपको करना कुछ नहीं, आपको केवल लगाने हैं मॉक पेपर। मॉक पेपर आप जब लगाओगे तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप हर दिन 2 पेपर लगाओ, 2 पेपर आप 2 घंटे पेपर लगाओ, और उसके बाद 2 घंटे उस पेपर को एनालाइज करो, देखो मैंने क्या क्वेश्चन गलत करा, कौन सा केस मैंने नहीं पढ़ा, क्या मैंने छोड़ दिया, और फिर उस चीज़ को नोट करिए। जो आपने पहले से अभी नोट्स बनाए ना, उन पहले 15 दिनों में, उन 15 दिनों में नोट्स को ऐड करिए, और नोट्स को ऐड करने के बाद प्रॉपरली देखिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, उस हिसाब से फिर और पेपर लगाइए और वो करिए। मैं कहता हूँ दिन के आपके 8 घंटे जाएंगे ना, आप टोटल दिन में 12 घंटे लो, अब 12 घंटे पढ़ाई करोगे तो ही ये पेपर आपका कायदे से निकलेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा आप जो पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा 2 से लेकर 4 के बीच में जिस टाइम आपका रियल में पेपर होता है उस टाइम पे बैठिए, और उस टाइम पे पेपर को लगाइए, मॉक पेपर को लगाइए। मेक श्योर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके घर में। मान लो कोई बेल बजा रहा है, आपसे मतलब नहीं है, आपको खाना खाना है, भूख लगी, पहले खाना खा के बैठो, टॉयलेट जाना है, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आपको केवल 2 घंटे बैठ के पेपर लगाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नींद आ रही है, नींद को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, केवल पेपर लगाना है 2 से 4, ये ध्यान रख लीजिएगा। बिकॉज आपको अगर अपने माइंड को ट्रेन नहीं करा ना, अगर आपने अपनी इंग्लिश रीडिंग हैबिट जबकि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होती है उस पर काम नहीं करा ना, बहुत दिक्कत आएगी। बिकॉज आपको ये पेपर क्रैक करने के लिए बहुत, आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 120 मिनट्स में पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है, फिर उस पैराग्राफ से आपको आंसर इन्फर भी करना है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टिक टू दिस गेम प्लान, यू देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट। ये आप ध्यान रख लो, आप ये 30 दिन कायदे से पढ़ लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने कायदे से पढ़ाई कर ली, आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, आप अपनी हर चैलेंज को पूरा कर सकते हो, बिलीव मी। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि जो 15 दिन है ना, इसमें आपको ये करना बेसिकली पेपर्स लगाने हैं। फिर हम जिन जिन एरियाज में कमजोर हो ना, उन एरियाज को दोबारा रिवाइज करिए, और जो आपके नीच सब्जेक्ट्स जैसे आपका CPA हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, उनके अंदर केवल आप केस लॉज को पढ़िए। आप चाहे तो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, हमने वहाँ पे सारे के सारे जो केस लॉज हैं इन सारे सब्जेक्ट्स से जुड़े हुए वो सारे के सारे प्रोवाइड करें हैं। नहीं तो फिर आप नेट पे जाइए, वहाँ पे आप थोड़ा सा सर्च करोगे, आपको थोड़ा सर्च करने के बाद जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं केवल आप वो पढ़ लीजिए, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो पढ़ लीजिए। अमेंडमेंट्स हम लोग सारे आपको प्रोवाइड करेंगे वैसे अपने कोर्स में, अमेंडमेंट्स आप पढ़ लीजिए। अमेंडमेंट्स को पढ़ लेने के बाद आपका पूरा नियरली जितना भी है ना वो सब कवर हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं जो बचेगा। अगर आपको नीच सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी आ गया ना, तो मैं कह रहा हूँ केवल 70% चांस आपका है, 70% चांस है आपका कि उसी रिसेंट केस लॉ से आएगा, उसी अमेंडमेंट से आएगा, उसके बाहर से आने का बहुत कम चांस है। तो अकॉर्डिंगली नीच सब्जेक्ट के लिए बहुत दिमाग मत लगाइए, बहुत अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए, केवल रिसेंट केस लॉज पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। रिसेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, बहुत डिविएट नहीं होना है इन 30 दिनों में। इन 30 दिनों में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत स्ट्रीमलाइन करो, आप अपने स्टैटिक पोर्शन, फाउंडेशन पोर्शन पे ध्यान दो, रिसेंट केस लॉज पे ध्यान दो, और मॉक पेपर लगाने पे ध्यान दो। और ये ध्यान रखो कि 12 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। अकॉर्डिंगली जब आप पढ़ाई कर रहे हो
तो जो आपको मैंने पहले 15 दिन की स्ट्रेटजी दी है उसके अंदर आपको अपने टाइम को हाफ में डिवाइड कर लेना है टाइम को। पहले जो आपके दिन के 6 घंटे उसमें आपने पढ़ाई करा, बाकी के 6 घंटे में 2 घंटे आपने पेपर लगाया, फिर 1 घंटे उसको एनालिसिस भी दे दिया, बाकी 3 घंटे आपने केस लॉज पढ़े, रिसेंट केस लॉज पढ़े जो कि उन टॉपिक से जुड़े हुए हैं जो कि आपने पढ़े थे पहले 6 घंटे में, उनको आपको करना है। दैट शुड बी योर अप्रोच, केस लॉज को और आपके जो नॉर्मल पोर्शन है उसको आपको मिला के पढ़ना है बच्चों, तभी काम होगा। अब आते हैं आखिरी के 2 दिन के लिए, डे नंबर 28 से लेकर डे नंबर 29, ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होने वाला है, बिकॉज ये जो 2 दिन है ना यहाँ पर आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज आप पिछले 28 दिन से, पिछले 27 दिन से पढ़ाई कर रहे हो और आपने अपनी पूरी जी जान लगा के रखा हुआ है, अब इस मौके पर लास्ट मोमेंट पर आप फॉल्टर नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है ना आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाना एक बार, देख लेना कि अपने घर से आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, कितना देर लग रहा है, कितने टाइम में पहुंच जाओगे। अगर मान लो वो आपका आउट ऑफ स्टेशन है तो आप कोशिश ये करना कि एक दिन पहले ही जाके थोड़ा ना रूम वूम का इंतजाम कर लेना, बिकॉज ये होगा कि आप सुबह 5 बजे वहां से चले घर से, फिर वहां पे आप देर से पहुंच रहे हो, फिर आप थके हुए हो, आपका काम नहीं हो पाएगा, यू विल बी वे टू टायर्ड टू गिव द पेपर, थिंक ऑफ दैट। तो अकॉर्डिंगली इस चीज को प्लीज प्लान करके चलिएगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचोगे। और मान लो कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तो यार एग्जामिनेशन सेंटर से छोड़ना आप बेसिकली छूट सकते हो, एग्जाम छोड़ना छोड़ सकते हो, उस चीज को बहुत कायदे से ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका लास्ट डे होगा ना, लास्ट डे, डे नंबर 29 के बाद डे नंबर 30, जिसमें आपका एग्जाम के एक रात पहले 12 घंटे कुछ मत पढ़िएगा, केवल और केवल सुबह उठिएगा, रिविजन एक बार थोड़ा सा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एकदम रिलैक्स होइएगा। ये मत सोचिएगा कि क्या होगा कैसे होगा, आप बस इतना सोचिएगा कि आपने अपनी तरफ से पूरे कर्म करे हैं और अब टाइम है फल अर्जित करने का, ज़रा सोचना नहीं है, जाके आपको सिंपली 2 घंटे में वो पेपर देना है। आपने अभी तक 2 से 4 में अपने आप को हैबिट डेवलप कर रखी है, आप 2 से 4 में जाओगे, आपके लिए बिल्कुल जैसे अपने नेचुरल होता है कोई चीज़, जैसे जो जो लोग मान लीजिए गिटार बजाते हैं या फिर मान लो वायलिन बजाते हैं, फिर जो गाना गाते हैं, गायक होते हैं, उनके लिए ना वो चीज़ एकदम नेचुरल हो जाती है कि उनको बस उनको म्यूजिक की नोट्स बता दो, वो म्यूजिक वैसे ही प्रोड्यूस कर देंगे, बिल्कुल सेम चीज़ आपके साथ होगी। आप इतने इन ट्यून प्रैक्टिस में होगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं मॉक पेपर दे रहा हूँ कि मैं नॉर्मल पेपर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा सिचुएशन अगर आप रोज एक पेपर 2 से 4 के बीच में दे पा रहे हो। तो बच्चों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मॉक पेपर की प्रैक्टिस इज वेरी 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 एसेंशियल, इसको प्लीज़ मत इस प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोग छोड़िएगा। एंड अकॉर्डिंगली अब हर दिन मैं आपके लिए एक आपका यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च करने वाला हूँ, मैं आपसे रोज़ बात करूंगा कि आपने आज का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा, आपने आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर आप अकॉर्डिंगली क्या करने वाले हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड तक, अगर आपने देखी है तो आप कमेंट सेक्शन नीचे लिखो कि यस सर मैं ये स्ट्रेटजी 30 डे की फॉलो करने वाला हूँ, मुझे बताओ आप कि आप इंटरेस्टेड हो, आप फॉलो करोगे, आप हो मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे, डू यू वॉन्ट टू क्रैक दिस पेपर इन 30 डेज और नॉट, इफ यू आर व्यूचिंग दिस वीडियो देन से यस यू वॉन्ट टू डू इट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर आई वॉन्ट टू डू इट, और अकॉर्डिंगली मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं अपना धर्म पूरा करूं और मैं आपके साथ बैठूं और आपका सिलेक्शन करवाऊं, ये मेरा आपके प्रति कर्तव्य होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करने की जरूरत है आप वो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अकॉर्डिंगली जितने भी आपके सोर्सेज हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने प्राइवेट वीडियोज में डिस्कस करे हुए, उन वीडियोज को आप जाके देखो, पढ़ाई को अपने प्लान करो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लैरिटी एग्जाम, बाय।